हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिवड़ा नमकीन। ये बहुत ही कम समय में बन जाता है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो आप मेरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चिवड़ा नमकीन बनाना। चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए चिवड़ा। ये नाश्ते वाला चिवड़ा है, ये देखिए। इसको मैंने छान कर सूखे कपड़े से साफ कर लिया पोंछ के। और इसमें चाहिए हमें मूंगफली, काजू, कॉर्नफ्लेक्स, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, चाट मसाला और काला नमक। सबसे पहले हम तेल गरम करना चढ़ा देते हैं और इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, ये सबका सादा वाला नमक है, और ये हमने काला नमक लिया है, एक चौथाई चम्मच काला नमक, और ये आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। ये जो मसाला हमने तैयार किया है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया, हम इसे एक साइड में रख देते हैं। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम चिवड़ा फ्राई करते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम चिवड़ा फ्राई कर लेते हैं। हम थोड़े थोड़े करके चिवड़ा डालेंगे, ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, तब अच्छे से फ्राई नहीं होते। इस तरह से ये देखिए एकदम एक डालते ही ये ऊपर आ जाएंगे, ज्यादा डालने से ये फिर एकदम सॉलिड नीचे बैठ जाते हैं, चिवड़ा अच्छे से नहीं फूलते हैं। इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए। आप चिवड़ा को एक साथ बिल्कुल भी ज्यादा मत डालिएगा। हम डाल देते हैं थोड़ा, ऐसे फैला के डालिएगा ताकि सारे चिवड़े अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए डालते ही ये सारे चिवड़े अपने आप ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे चिवड़े फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम अपना सारा चिवड़ा फ्राई कर लेते हैं और गैस को मैंने मीडियम रखिएगा। एक बार अच्छे से गर्म कर लीजिएगा तेल को, फिर मीडियम कर दीजिएगा। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम अपने सारे चिवड़े फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे चिवड़ा को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई करने वाली कॉर्नफ्लेक्स है। हमारी कॉर्नफ्लेक्स भी फ्राई हो गई है। इस तरह से हम सारे निकाल लेते हैं। अब एक एक करके हम सारी चीजें फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये नमकीन बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में तो स्वादिष्ट होता ही और जल्दी बन जाता है। जैसे हम कहीं सफर पे जा रहे हैं तो ये हम बना के अपने पास रख सकते हैं ताकि हमारे सफर में ये खाने के काम आ जाए, और ये खराब भी नहीं होता। आप इसे बनाकर एक डेढ़ महीने तक आराम से रख सकते हैं। और इसमें हम सामान की मात्रा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम इसमें ये मूंगफली फ्राई कर देंगे। मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली जब फ्राई करें फ्रेंड्स तो देख के कीजिएगा क्योंकि उछलती है। मूंगफली हमारी चटकने लग जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। आप ऐसे करके तेल को पूरा निकाल दीजिएगा। इसको इसे भी प्लेट में डाल लेते हैं, गैस को कम कर देते हैं।
आप मूंगफली, काजू और अपने इच्छा अनुसार और कोई जैसे बादाम और डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो, कम ज्यादा कर सकते। हमने मूंगफली फ्राई कर लिए, अब हम इसमें काजू फ्राई कर लेते हैं। काजू फ्राई कर लेंगे, फ्रेंड्स ये नमकीन बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। हल्की फल्की भूख जब हमें लगती है तो ये हम आराम से खा सकते हैं। ये देखिए हमारा काजू भी फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने काजू भी फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ये सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता को फ्राई कर लेते, गैस को ऑफ कर देते हैं, तेल गर्म है हमारा। सारी निकाल लेते हैं, ये भी हो गया हमारा फ्राई, इसे भी निकाल लेते हैं। कड़ी पत्ता और लाल मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसके टुकड़े करके भी डाल सकते हैं लाल मिर्च के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीजों को फ्राई कर लिया है। हमने चिवड़ा को भी फ्राई कर लिया है, कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली, काजू, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च सबको फ्राई कर लिया। अब हम एक एक करके सबको इसमें मिला देते हैं। ये देखिए सबसे पहले मूंगफली डाल देते हैं, ये काजू डाल देते हैं, कॉर्नफ्लेक्स हमने डाल दिए। कॉर्नफ्लेक्स इस चिवड़े में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये हम कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं। अब हम इसमें ये जो हमने मसाला तैयार किया है, अब ये मसाला हम इसमें मिला देते हैं। ये सारा मसाला हम इसमें मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से टॉस कर देंगे। अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चिवड़ा में सारी चीजें अच्छे से मिला ली, मसालों को भी अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए हमारा चिवड़ा नमकीन बनकर तैयार है।